सेवन डेज वेपन ग्लोरी पुशिंग के डे टू में आप लोग का स्वागत है, जहां पर लगातार हम लोग 7 दिन वेपन ग्लोरी पुश करने वाले हैं और आखिर में देखने वाले हैं कि 7 दिन लगातार वेपन ग्लोरी पुश करने के बाद हम कौन सी पोजीशन को अचीव कर पाते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि मेरे को कौन सी गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करनी चाहिए, जहां पर आप सभी लोगों ने एक्समेट को यूज करने को बोला था। वैसे बात करें हमारे एक्समेट की स्कोर की, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो अभी के टाइम पे हमारा एक्समेट का स्कोर कितना हो रखा है, 11,861। और इंडिया के रीजन के अंदर आने के लिए तो अभी हमें बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वही पे बात करें मेरे स्टेट यानी कि दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर मैं चल रहा हूँ 46 नंबर पर। हमारा दिल्ली के अंदर भी स्कोर इतना बढ़िया नहीं है, यानी कि आज हमें इतनी ज्यादा पुश करनी है कि हम लोग दिल्ली के अंदर तो अच्छी खासी पोजीशन ले पाए। वैसे बात करें मेरे स्टेट की, तो स्टेट के अंदर तो हमारी आईडी टॉप नंबर 1 पर चल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। हम लोग भी बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से गेम की तरफ चलते हैं। ओके, ये हमारा पहला गेम होने वाला है जहां पर मैंने अभी के टाइम पे केवल 3 ही किल करे हुए हैं, एंड अभी के टाइम पे हमारे अलावा केवल 2 ही एनिमी बचे हुए हैं और मेरे एक्समेट से पूरे किल भी नहीं हुए हैं। इस गेम में मेरे को किसी भी हालत में एक्समेट की पूरी ग्लोरी निकालनी है। हम लोग फटाफट से एनिमीज को ढूंढते हैं। ओके, सामने से एक एनिमी आ रहा है, मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश करी है लेकिन बहुत ही कम डैमेज दे पाया हूं। यहां पे मैंने आयरिस का यूज कर लिया है, एंड भाई मेरे को किसी एनिमी ने पता नहीं हेडशॉट से डाउन कर दिया है और मेरे को मालूम नहीं पड़ा पता नहीं कब कब मैं कहां से डाउन कर दिया। हम लोग फटाफट से रिवाइव तो हो गए, मैंने अपने को पूरा कवर कर लिया। यहां पर एनिमी नेड वगैरह भी कर रहा था और मेरे पास में भी आ चुका है। यहां पर मैं फटाफट से, एक बंदे ने किसी ने मेरे ऊपर आयरिस का भी यूज कर लिया है, मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ओके, उस बंदे ने माइन लगाए हुए थे। यहाँ पर हम लोग फटाफट से पीछे की साइड चलते हैं और एक्समेट से किल। ओके, बंदा मेरे शॉर्ट रेंज के अंदर ही था। यहाँ पर इस एनिमी को मारने की कोशिश करता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने इस एनिमी को तो हेडशॉट से फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पर आखिरी का एनिमी बचा हुआ है जो कि ना जाने कहाँ पर छुपा हुआ है। ओके, सामने ग्लूवल भी लगी हुई है, शायद से वहीं पर एनिमी होगा। ओके, यहीं पर एनिमी, हम लोग एक काम करते हैं नेट फेंकते हैं पहले एनिमी के ऊपर। बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मैंने एनिमी को हेडशॉट मार दिया है। यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉन्चर वगैरह फेंकते हैं, बंदे को डैमेज जा ही नहीं रहा लॉन्चर से। ओके, बंदा पीछे है पेड़ के, मैंने ग्लू मेल्टर फेंक किया। ओके, बंदा मेरे ऊपर नेड कर रहा है, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने एनिमी को हेडशॉट भी मारा है लेकिन फिर भी एनिमी को कोई फर्क पड़ा नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, फिर से लॉन्चर फेंकने की कोशिश करते हैं। ये बंदा बहुत ज्यादा ही कैंप कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास हेलमेट भी नहीं है, मेरे को डर लग रहा है अगर इसके सामने जाऊं तो ये एनिमी मेरे को हेडशॉट ना मार दे। ओके, यहीं पे मैंने इस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर दिया। यहाँ पर हमारा फाइनली हो चुका है बुईया। और वहीं पे बात करें एक्समेट की ग्लोरी की, तो हम लोग को ग्लोरी भी पूरी मिल चुकी है। हम लोग फटाफट से अगले गेम की तरफ चलते हैं। पिछले गेम में तो हम लोग केवल 5 किल कर पाए थे, लेकिन इस गेम की बात करें तो हम लोग इस गेम के अंदर 9 किल कर चुके हैं, वो भी पहले से। यहाँ पर हमारे पीछे एक एनिमी जो कि हमारी तरफ आ रहा है, मैंने डैमेज देने की तो कोशिश करी लेकिन गन ने पूरा रिकॉइल कर दिया। और यहाँ पर सामने से ऐसे रिक्शे के अंदर बंदा बैठा है। हाँ यार, यहाँ पर इस एनिमी को पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैंने बहुत ही इजीली मार दिया। पीछे से एनिमी आ चुका है, इसको डैमेज देने की कोशिश करते हैं। भाई बंदे के पास तात्सुई है, इस एनिमी ने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। मैं फटाफट से हील कर लेता हूँ। चलो, मैंने हील तो कर लिया, एंड वो एनिमी मेरे से थोड़ा बहुत दूर जा चुका है। हम लोग से डैमेज देने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज दिया आयरिस का यूज करके, मैंने उस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से फिनिश कर दिया। यहाँ पे हमारे 11 किल हो चुके हैं। मैं थोड़ा आगे आ गया था कि यहाँ पर एक एनिमी गाड़ी चला रहा है, वो भी बिना मिसा के। इस एनिमी को मारने की कोशिश कर दे। अबे यार, बंदा आगे की साइड जा चुका है। ओके, यहाँ पर एक एनिमी मेरे ऊपर रस कर रहा है, इस एनिमी को पहले खत्म कर दे। मैंने इस एनिमी को तो हेडशॉट से फिनिश कर दिया, अब इस गाड़ी वाले को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और एनिमी है जिसको मैंने बॉडी बॉडी से फिनिश कर दिया, अब इस फटाफट से इस गाड़ी वाले एनिमी को मारने की कोशिश करते हैं। ओके, इस एनिमी को तो मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया, पता नहीं क्या कर रहा था, बिना मिसा के गाड़ी लेके घूम रहा था। अब यहाँ पे हमारा सेफ जोन भी आने वाला, तो हमें फटाफट से जोन के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। और वहां से अच्छे से लूट के मैं जोन के अंदर जा ही रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी आ चुका है जिसने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया। इस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करते हैं, पहले हील कर लेता हूँ। लेकिन नहीं यार, इस एनिमी के पास आयरिस है, हम लोग को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पहले फटाफट से मैं जोन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर ग्लूवल लगा के तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ग्लूवल का कोई फायदा नहीं क्योंकि उस एनिमी ने आयरिस का यूज करा हुआ है। चलो, हम लोग तो जोन के अंदर आ चुका है लेकिन वो एनिमी भी हमारे सामने से आ रहा हो सकता है, तो हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर हील वगैरह ढंग से कर लेता हूँ। ओके, वो एनिमी भी आ चुका है हमारे सामने। इस एनिमी को हम लोग डैमेज देने की कोशिश करेंगे, पहले इसको अंदर जाने देते हैं, पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पे डैमेज देने की तो कोशिश करी लेकिन बहुत ही कम डैमेज आया। एक काम करता है, पहले मैं यहाँ पर थोड़े बहुत माइन लगा देता हूँ ताकि वो बंदा पीछे से रस ना कर सके। ओके, मैंने यहाँ पे माइन तो डाल दिया। ओके, बंदा मेरे सामने से ही आ चुका है, यहाँ पर इस बंदे को ट्रोगन से फिनिश करना पड़ेगा। बंदा यार अंदर को चला गया, एक काम करते इस पर रस करते हैं। बंदे ने नेट भी फेंक दिया, पता नहीं क्या कर रहा है, नेट भी फेंक रहा है, ग्लूवल भी लगा रहा है। यहाँ पे आयरिस का मैंने यूज करा है लेकिन कोई फायदा नहीं रहने वाला, वो मेरे पर रस ही करेगा।
एंड हमें ट्रोगन से मैंने इसको बहुत सारा डैमेज देके बहुत ही इजीली फिनिश कर दिया। इस एनिमी को फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमारे 15 किल हो चुके थे और हमारे अलावा केवल आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ। मैं यूएवी का यूज करके जैसे ही पीछे की साइड जा रहा होता हूँ कि आखिरी वाला एनिमी वहीं पे खड़ा होता है। पहले तो मैं उस एनिमी को ट्रोगन से डैमेज देता हूँ, लेकिन तभी मेरे को मालूम पड़ जाता है इस एनिमी का नेटवर्क ज्यादा है। इसी चीज का फायदा उठा के मैं इस एनिमी को पैरंग से किल कर देता हूँ और इस मैच में भी हमारा फाइनली बुआ हो जाता है और यहाँ पर हमको एक्समेट की पूरी ग्लोरी भी मिल जाती है। और इसी के साथ हम लोग फटाफट से अगले गेम की तरफ चलते हैं। इस गेम में हमारे 8 किल पहले से हो रखे हैं और अभी मैं एनिमीज को ढूंढ रहा हूँ ट्रक को लेके, लेकिन यहाँ पर मेरे को कोई भी एनिमी दिख नहीं रहा। ओके, सामने एक एनिमी है जो कि डैमेज देने की कोशिश कर रहा था। इस एनिमी को हम लोग एक्समेट से किल करने वाले हैं, तो हम लोग फटाफट से कोशिश करते हैं। यार यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा कैरेक्टर फालतू की जंप कर रहा। ओके, यहाँ पे मैंने इस एनिमी को पूरा हेडशॉट तो मारा लेकिन बॉडी शॉट से किल आ गया। अब इस गेम में भी हमारा आखिरी का एनिमी बचा हुआ था, उस एनिमी को भी हम लोग फटाफट से ढूंढते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को आखिरी वाले एनिमी की भी लोकेशन मालूम पड़ चुकी है, जो कि ना जाने कब से यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, इस एनिमी के ऊपर रस करने की कोशिश करते हैं। भाई रस करने के चक्कर में इस एनिमी ने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। हम लोग पहले तो हील करते हैं एंड फिर इस एनिमी के ऊपर रस करेंगे। वो एनिमी तब से वहीं पे होल्ड करे जा रहा है और सामने आने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, लॉन्चर पैड यूज करते हैं और उसकी साइड जाने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने लॉन्चर पैड लगा लिया एंड हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब साइड से उस एनिमी ने लोकेशन चेंज कर लिया, नहीं यहीं पे ही है। मैंने इस एनिमी को पूरा हेडशॉट मारा है और यहाँ पे इस एनिमी का सोने एक्टिवेट हो गया। चलो फटाफट से इस एनिमी के ऊपर रस करते हैं और उसको फटाफट से क्लियर करते हैं। यहाँ पर 10 किल के साथ हमारा ये वाला मैच भी हो चुका है फाइनली बुआ। और वहीं पे बात करें एक्समेट की वेपन ग्लोरी की, तो यहाँ पर हम लोग को पूरी ग्लोरी मिल चुकी है और यहाँ पर हमारी फाइनली 2 बुआ की स्ट्रिक भी लग चुकी है। इसी के अगले गेम के अंदर मैं जोन के बहुत ज्यादा बाहर रह गया था, इसलिए मैं पर्पल वेंडिंग मशीन से लॉन्चर पैड को खरीद के फटाफट से जोन के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अब लॉन्चर पैड का यूज करके मैं जोन के तो बहुत करीब आ चुका था और अब मेरे पास बहुत ही कम मेडिकेट वगैरह बची थी, लेकिन तभी मैं जैसे सामने जा रहा हूं, मेरे सामने एक एनिमी होता है, इसको मैं बहुत ही इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूं, लेकिन यहां पे जोन का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ने लग गया था, इसलिए मैं छोटी सी भी गलती यहां पर नहीं कर सकता था और मैं उस एनिमी को लूटने भी नहीं जा सकता था। पहले मैं यहां पर थोड़ी बहुत मेडिकेट्स वगैरह भरता हूं और मैं वापस से जोन के लिए भागने लगता हूं। एंड जैसे मैं जोन के अंदर पहुंचता हूं, लिटरली मैं इतनी कम हेल्थ का बचा था। यहां पर मैं चाहता तो मैं रुक के हील भी कर सकता था, लेकिन मेरे को डर लग रहा था मैं जोन से एलिमिनेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं बिना रुके भागता रहता हूं और मेरे सामने एक मोचर ट्रक रहता है, मैं जाके से उस मोचर ट्रक के अंदर बैठ जाता हूं। और अब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं बिल्कुल आराम से अपने को हील कर लेता हूं। और अभी मेरे सामने कुछ एनिमीज भी फाइट कर रहे हैं। ओके, यहां पर एक एनिमी भाग रहा है, मैंने इसको ट्रक से तो उड़ा दिया, इसको ट्रोगन से मारने की कोशिश करते हैं। बंदे ने ग्लोवर लगाई है, हम लोग फटाफट से ट्रक के अंदर बैठते हैं और इस एनिमी को तो मैंने ट्रक की मदद से क्या ही हेडशॉट मारा है, बिल्कुल मजा आ गया। अब जोन वापस से सिरिंग होने लग गया, तो हम लोग भी फटाफट से जोन के अंदर चल लेते हैं। चलो ट्रक को लेके हम लोग जोन के अंदर तो आ गए, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक एनिमी है, इसको मारने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको हेडशॉट भी मारा, लेकिन एक एनिमी ने थर्ड पार्टी करके मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। फटाफट से मैं ट्रक के अंदर बैठता हूँ, क्या पता कोई और एनिमी आके मेरे को मार दे। वैसे यहाँ पर हील करने के बाद इस एनिमी को तो मैं पूरा मारने की कोशिश करने वाला हूँ। ओके भाई, गलती से नीचे ही गिर गया मैं और वो एनिमी शायद से आ रहा होगा। ओके, आ गया बंदा। इस एनिमी को तो मैंने बहुत ही इजिली हेडशॉट से फिनिश कर दिया है। अब उस एनिमी को किल करने के बाद मैं जोन के अंदर जा ही रहा था कि यहाँ पर मेरे को ड्रॉप के पास में एक एनिमी दिख चुका है और वैसे भी मेरे को लेवल 4 की वेस्ट भी चाहिए, तो इस एनिमी के ऊपर फटाफट से रस करते हैं। मैंने यहाँ पे इस एनिमी को बहुत सारा डैमेज दिया और इस एनिमी का सोनिया भी एक्टिवेट कर दिया। ओके, इस एनिमी के पास दिमित्री है और शायद से यहाँ पे मेरा किसी एनिमी ने किल चोरी कर लिया। हम लोग फटाफट से इस एनिमी को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर ये एनिमी फिर से डाउन हो गया और इस एनिमी को फटाफट से फिनिश करते हैं। एक एनिमी थर्ड पार्टी भी कर रहा है। अभी दूर से एनिमी फायर कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, सेकंडों में ग्लोबल फोर्ट दे रहा है। शायद से उस बंदे के पास M249X हो सकती है। यहाँ पे फटाफट से हील कर लेता हूँ और बंदा बार बार ग्लोबल हटा दे रहा है। भाई उस बंदे ने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। फटाफट से मोस्ट ट्रक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेरा मोस्ट ट्रक भी जला हुआ है, क्या पता जला दे। ओके, उस एनिमी ने मेरा मोस्ट ट्रक भी जला दिया। वो तो शुक्र है फिलहाल मैं जोन के अंदर हूँ, वरना ये एनिमी तो मेरे को जीने नहीं देता। इतने मैं भी एक मोस्ट ट्रक समन कर देता हूँ। जैसे हमारा ट्रक आएगा, हम लोग फटाफट से इन एनिमीज की तरफ रस करेंगे। अब मैं अपने नए ट्रक को लेकर एनिमीज की तरफ रस तो कर चुका हूँ, लेकिन एक एनिमी जोन के बाहर पता नहीं क्या कर रहा है, हमारे पर फायर कर जा रहा है। एक काम करते हैं, इसको एक्समेट से मारने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इस एनिमी को तो हेडशॉट से फिनिश कर दिया। अब आखिरी का एनिमी बचा है और जिसकी लोकेशन मेरे को मालूम ही नहीं है। अभी हमारा जोन भी आ चुका है, फटाफट से हील करके हम लोग जोन के अंदर ही चल लेते हैं। अब मैं ट्रक को लेकर थोड़ा बहुत ऐसे ही घूम रहा होता है क्योंकि सामने मेरे को एनिमी दिख जाता है, मैं उसको ट्रक से उड़ा देता हूँ और बहुत ही इजीली एक्समेट से फिनिश कर देता हूँ। और इस गेम के अंदर हमारा फाइनली हो जाता है बुआ। वैसे बात करें वेपन ग्लोरी की, तो इस मैच के अंदर हम लोग को एक्समेट की पूरी ग्लोरी मिल चुकी है। लिटरली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक्समेट को चलाने में मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। वैसे बात करें इस वाले मैच की, तो इस मैच के अंदर हमारे अलावा केवल 3 ही एनिमी बचे हुए हैं। यहाँ पर मैंने यूएवी का तो यूज करा है, लेकिन हम लोग को खाली एक ही एनिमी की लोकेशन मालूम पड़ पाई है।
बाकी दो एनिमीज का कुछ अता पता ही नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पर 6 किल हो रखे हैं और एक्समेट मेरे को अभी मिली है, यानी कि एक्समेट से किल करने बाकी रहे। अब जैसे मैं ट्रक को लेकर थोड़ा आगे की साइड जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक एनिमी तो दिख जाता है, तो मैं फटाफट से उधर के इस एनिमी के ऊपर नेट करना शुरू कर देता हूँ। नेट से थोड़ा बहुत डैमेज भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक और एनिमी आ गया था जो मेरे को ऊपर से डैमेज देने लग जाता है। मैं भी इतने ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और हील करने लग जाता हूँ। इतने मेरे सामने से एक एनिमी आ गया था, मैं इसको ठोकने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। तो मैं उतर के फटाफट से उस एनिमी के ऊपर एफजीएल से अटैक करने की कोशिश करता हूँ, उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं जाता है। अब ना जाने वो एनिमी कहाँ पर गायब हो चुका है। कुछ एनिमीज तो फाइट कर रहे हैं लेकिन कहाँ पर, ओके ऊपर एनिमी फाइट कर रहे हैं, एक एनिमी दिख भी रहा है। उस एनिमी को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड हेडशॉट से फिनिश भी कर दिया। बाकी के एनिमी शायद से मेरे को जहां तक लगता है ऊपर ही चढ़े हुए हैं और दोनों के दोनों ग्लूवल के अंदर फंसे हुए हैं, शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों के ऊपर ग्लूमेल्टर फेंक देता हूँ ताकि इन लोगों की ग्लूवल हट जाए। ओके एक एनिमी तो मेरे सामने आ चुका है, इस एनिमी को मैंने डैमेज देने की कोशिश करी, एफजीएल फेंक है, एफजीएल से डैमेज पड़ भी गया। अब जैसे ही बंदा सामने आएगा उसको हेडशॉट मारने की कोशिश करता है। ओके बंदा सामने तो आया लेकिन मैंने इसको बॉडी बॉडी से फिनिश कर दिया। अब आखिरी का एनिमी बचा है जो कि शायद से ऊपर चढ़ा हुआ है। अब आगे चल के हमारे अलावा केवल आखिरी का एनिमी तो बचा था, उस एनिमी को मेरे को एक्समेट से किल करना था, इसलिए मैं ट्रक के अंदर घूम रहा होता हूँ, उसको ठोकने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन वो एनिमी बार बार बच जा रहा था और आगे चल के वो मेरे ट्रक के अंदर बैठ भी जाता है। तो ऐसे में मैं उस एनिमी के मजे लेने के लिए क्या करता हूँ, ट्रक को लेके जोन के बाहर चले जाता हूँ एंड वो एनिमी भी कूद जाता है एंड मैं भी कूद जाता हूँ। उस एनिमी को एक्समेट से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही इजिली वो एनिमी फिनिश भी हो जाता है। यहाँ पर हमारा बुइया भी हो जाता है, साथ के साथ एक्समेट की भी पूरी ग्लोरी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग अगले गेम के अंदर भी आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंटेंस गेम जाता है। अब इस गेम में शुरू में तो मेरे 3 ही किल थे, लेकिन यहाँ पर एक एनिमी मेरे को देख लेता है, मेरे को बहुत सारा डैमेज दे देता है। अब यहाँ पे मैं ग्लू वाला के हील करना तो शुरू कर देता हूँ और हील करने के बाद मैं इस जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे को बहुत ही बढ़िया कवर मिल जाता है। यहाँ पे मेरे एक्समेट से भी किल कंप्लीट नहीं हो रखे थे, तो यानी कि मेरे को एक्समेट से भी किल करने थे। मेरे सामने कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं, उनको मैं डैमेज देने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उन एनिमीज से फाइट लेने के चक्कर में मेरी लोकेशन रिवील हो चुकी थी, इतने मेरे को फुटस्टेप आ रहे होते हैं, इतने एक एनिमी मेरे ऊपर रस कर देता है। पहले तो मैं ग्लू वाला के इस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ एंड जैसे जैसे करके इस एनिमी को हेडशॉट वगैरह मार के बॉडी शॉट से फिनिश कर देता हूँ। और लिटरली ये एनिमी तो मेरे को बिल्कुल किल कर चुका था, लेकिन भाई जैसे जैसे करके मैं यहाँ पर बच जाता हूँ और हील करना शुरू कर देता हूँ। अब हील करने के बाद मेरे आसपास कुछ एनिमीज फाइट कर रहे, तो मेरे को एक्समेट से किल भी करना है, तो फटाफट से एनिमीज की साइड ही चलते हैं। यहाँ पर एक एनिमी है, इसको डैमेज देने की कोशिश करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत डैमेज तो दिया है, लेकिन ये बंदा गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है, ऐसे गाड़ी के अंदर बैठ गया। ओके वो बंदा गाड़ी के अंदर बैठ चुका है, हम लोग इसकी गाड़ी जलाने की कोशिश करते हैं। ओके बंदा नीचे जा चुका है, भाई बाल बाल बचा हूँ, बंदा मेरे को गाड़ी से उड़ा सकता था लेकिन मैं यहाँ पे बच चुका हूँ। इसकी गाड़ी जलाने की तो पूरी कोशिश करी, लेकिन भाई गाड़ी की बहुत ज्यादा हेल्थ है, हम लोग इसकी गाड़ी जला नहीं सकते। यहाँ पर एक और एनिमी आ चुका है, क्रोनो ऑन करा है, हम लोग से डैमेज देने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी वाला भी आ रहा है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्या पता हमको उड़ा दे। ओके यहाँ पर फटाफट से अपना किल ले लेता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने एक किल तो ले लिया है, वैसे मेरे को एक्समेट से भी किल करने है और अब हमारे अलावा केवल 2 ही एनिमी बचे हैं। अब ये अच्छी बात है कि गाड़ी वाला बंदा अपनी गाड़ी से उतर चुका है और ग्लूवल लगा चुका है। उसकी ग्लूवल के ऊपर मैंने एफजीएल तो फेंका, उसको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ भी रहा है और यहाँ पर उसके ऊपर अबे यार मेरा किल चोरी कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी का एनिमी बचा है और मैंने इसके ऊपर आयरिस का यूज करा था, लेकिन ये एनिमी पत्थर के पीछे जा चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर नेट फेंकते हैं ताकि ये एनिमी थोड़ा बहुत ओपन में आए और हम लोग इसको हेडशॉट मार सके। ओके बंदा ओपन में तो आ चुका है लेकिन ग्लूवल लगा के आ रहा है, मैंने यहाँ पर ग्लू मेल्टर फेंक दिया। हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं ताकि एक्समेट से किल भी कर सके। अभी मैंने इसको बहुत सारा डैमेज दिया, एक काम करते हैं फिर से ग्लू मेल्टर फेंक दे और जैसे इसकी ग्लूवल हटेगी इसको हेडशॉट मारने की कोशिश करूंगा। ओके मैंने इसको हेडशॉट तो मारा है लेकिन ये बाल बाल बच चुका है, फिर से एक और ग्लू मेल्टर फेंकता हूं। अब साइड से इस एनिमी की सारी ग्लूवल खत्म हो चुकी है, जैसे सामने आएगा इसको हेडशॉट मारने वाला हूं मैं। ओके इसको मैंने हेडशॉट से फिनिश कर दिया, यहां पे हमारा बुइया हो चुका है। मुझे लगा था मेरे को इस गेम के अंदर पूरी ग्लोरी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जैसे मैं बैक करता हूं यहां पर हमको पूरी ग्लोरी मिल गई थी। और इसके बाद हम लोग फटाफट से अगले गेम की तरफ भी आ जाते हैं जहां पर हमारे केवल 3 ही किल रहते हैं। यहाँ पे मेरे को मोस्टर ट्रक मिल चुका था, मैं मोस्टर ट्रक से किल करने की कोशिश करता हूँ। पहले एक किल करता हूँ, इसके बाद एक और एनिमी को उड़ाता हूँ यानी कि 2 किल करता हूँ। इसके बाद मेरे मोस्टर ट्रक के अंदर और भी एनिमी बैठ चुके थे, यहाँ पर मेरे अलावा मेरे मोस्टर ट्रक के अंदर 2 एनिमी और बैठे हुए थे, इसलिए मैं अपने ट्रक को इधर से उधर उधर से इधर घुमाता ही रहता हूँ और थोड़ी देर बाद खुद ही ट्रक से उतर जाता हूँ। और अब मेरे सामने जो बाकी के ट्रक चल रहे थे उन सभी ट्रक को मैं जलाने की कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे करके मैं सभी ट्रक को जला भी देता हूँ। अब मेरे सामने केवल 3 ही एनिमी बचे थे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे एक्समेट से किल पूरे नहीं हो रखे थे और इतने छोटे से जोन के अंदर मेरे को एक्समेट से किल करने थे। अब मेरे सामने कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं, पहले तो मैं उन एनिमीज के ऊपर नेट फेंकता हूं एंड यहां पे आयरिस का यूज कर लेता हूं, और जो कि मैंने आयरिस का यूज करा हुआ था, तो इसलिए मैं फटाफट से अपने पास वाले एनिमी के ऊपर रस करता हूं और बाइजन से उसे जैसे तैसे करके फिनिश कर देता हूं। अब जोन बिल्कुल छोटा होता जा रहा था और हमारे अलावा केवल 2 ही एनिमी बचे थे और मेरे को एक्समेट से किल करना था, और एक्समेट से किल करना यही सोच के मैं जोन के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता हूं। और आगे कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं तो मैं उनके ऊपर ग्लू मेल्टर फेंक देता हूं। इससे होता क्या कि एक लड़की मेरी तरफ भाग के आ रही होती है और मैं फाइनली हेडशॉट से उसे
फिनिश कर देता हूँ। अब मेरे को एक्समेट की तो पूरी ग्लोरी मिलने वाली थी, लेकिन मेरे को बुया भी निकालना था। आखिरी वाला एनिमी मेरे ऊपर रस कर रहा होता है। आखिरी वाले एनिमी के पास M87 रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर हट के फाइट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो दो गोली के अंदर मेरे को मार सकता था। इतने ही वो एनिमी थोड़ा जोन के बाहर रह जाता है, तो मैं इसी चीज का फायदा उठा के अपने को ग्लू वॉल से कवर करने की सोचता हूँ, ताकि वो एनिमी जोन के अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी ना जाने वो एनिमी ग्लू वॉल के अंदर कहां से आ जाता है, मेरे को बहुत सारा डैमेज देता है और मेरे को डाउन भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास होरिज लाइन था, तो मैं अपने को रिवाइव करना शुरू कर देता हूँ, एंड वो एनिमी भी डाउन हो जाता है। जैसे मैं रिवाइव होता हूँ, फटाफट से उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ, एंड हम दोनों फिनिश हो जाते हैं, वो भी एक साथ। अब यहाँ पे मेरे को लगा था मेरे को बुया नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बुया बोनस मिला हुआ था। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है इस मैच के अंदर मेरे को बुया तो मिल ही चुका है, और उसी के साथ एक्समेट की पूरी ग्लोरी भी मिल चुकी है। अब इस मैच के बाद मैं और भी गेम खेलने लग जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक्समेट से बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से किल करता हूँ। किसी किसी प्लेयर को तो पूरा हेडशॉट से मारा करता था, और किसी प्लेयर को हेडशॉट मारता भी था तो बॉडी लग जाया करता था। और लिटरली मैं एक्समेट का यूज करके एक गेम, दो गेम, तीन गेम, चार गेम, मतलब लिटरली बहुत सारे गेम बुया करता हूँ। और अब खेलते खेलते मंडे भी होने वाला था, यानी कि हमको नए टाइटल मिलने वाले थे। और जैसे कि मैंने शुरू में आप लोग को बता दिया था कि मेरे को इतने टाइम के अंदर दिल्ली का तो बढ़िया सा टाइटल लेना ही है, इसलिए मैं तो अच्छे टाइटल को लेने के लिए खेलता रहता। अब ये गेम हमारे इस एपिसोड का फाइनल गेम होने वाला है, जहाँ पर हमारे सामने एक एनिमी रहता है, उस एनिमी को मेरे को एक्समेट से किल करना था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे भागते रहता हूँ, उसके शॉर्ट रेंज में जाने की कोशिश करता हूँ। अब भागते भागते ना जाने ये एनिमी रुक जाता, तो इसी चीज का फायदा उठा के मैं इस एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ, जाके फटाफट से इस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे अलावा केवल चार एनिमी बचे हुए थे, मैं उन एनिमीज को ढूंढ रहा होता हूँ कि तभी मेरे को एक एनिमी दिख जाता है, जो कि जोन के अंदर आ रहा होता है। मैं उस एनिमी को बहुत ही इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब बस हमारे अलावा केवल आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ था, मैं उस एनिमी को बहुत ज्यादा ढूंढता हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा ढूंढता हूँ। लेकिन इतना ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली वो एनिमी मेरे को दिख जाता है, एंड उस एनिमी को मैं बहुत ही इजीली हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये गेम भी बुया हो जाता है, वो भी नो किल के साथ। और हर गेम की तरह इस गेम के अंदर भी हम लोग को एक्समेट की पूरी ग्लोरी मिल जाती है। और अब हमको लगातार खेलते खेलते एक भी बच चुके थे, और अब हमको टाइटल मिलने वाला था। अब मुझे कौन सा टाइटल मिला वो जानने से पहले आप लोग मेरे को कमेंट सेशन के अंदर बताओ, क्या आप लोगों को कभी कोई वेपन ग्लोरी टाइटल मिला है? अगर हाँ तो कौन सा, आप लोग कमेंट सेशन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मेरे को मालूम पड़ सके मेरे सब्सक्राइबर्स कितने प्रो हैं। जब हम लोगों ने वीडियो को स्टार्ट करा था, हम लोग दिल्ली के अंदर 46 नंबर पर थे, लेकिन इतने सारे गेम खेलने के बाद फाइनली हम लोग को एक्समेट को 22 नंबर का टाइटल मिल चुका है। एंड 22 नंबर मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे आता है। खैर, इसी के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे को बहुत सारे टाइटल मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ पर मेरे को टोटल 12 टाइटल मिले हुए हैं। और इसी के साथ आप लोग यहाँ पर मेरी रैंक भी देख सकते हो। लेकिन वेपन ग्लोरी के सफर में मैं अभी भी नहीं रुकता हूँ, मैं अभी भी और गेम खेलता हूँ, पागलों की तरह खेलता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। और जिसके बाद हमारा स्कोर कितना हो चुका है वो भी आप लोग देख सकते हो। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो टॉप नंबर 1 पर चल ही रहे हैं। वहीं पे बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर मैं टॉप 21 नंबर पर आ चुका हूँ। और आप लोग यहाँ पर हमारा स्कोर भी देख सकते हो, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में 11,000 कुछ था, और अभी के टाइम पे हमारा स्कोर हो चुका है 15,545। लेकिन वहीं पे बात करें रीजन की, यानी कि इंडिया की, अभी हम लोग को और ज्यादा स्कोर बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि इतना स्कोर अभी इनफ नहीं है रीजन के अंदर आने के लिए, हम लोग अभी बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। और देखते हैं 7वें दिन तक हम लोग कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और देखना चाहते हो कि हम लोग 7वें दिन तक क्या कर पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना तो भूलना ही मत।